है, तो ये चीजें तो सॉल्युबिलिटी है, लिक्विड अमोनिया कौन ज्यादा सॉल्युबल, कौन कम, किसका सॉल्यूशन कैसे कलर का मिलता है ना, कौन सी कॉन्सेंट्रेशन पे क्या कलर दिखता है, वो सारी चीजें आप लोगों को बता चुका हूँ ना। दूसरा, किस वजह से कलर मिलता है, कंडक्टर होता है कि नहीं होता, कौन कौन घुल जाता है, ये ब्रॉन्ज कलर क्यों मिलता है, कौन सी कंडीशन पे, इन जनरल कैसे कलर का होता है ना, ब्लू कलर चेंजेस टू ब्रॉन्ज या फिर जो भी है, डायमैग्नेटिक कब होता है, पैरामैग्नेटिक कब होता है, ये भी डिस्कस कर रहे हैं ना। इन जनरल पैरामैग्नेटिक होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पर डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाता है ना। ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी बेटा इनका कुछ यूज है, तो वो यूज आप लोग शायद पढ़ सकते हैं। लिथियम को हम लोग कहाँ यूज करते हैं बेटा, इट यूज टू मेक यूजफुल अलॉयज। कौन से अलॉय हम लोग बनाते हैं बेटा, एक तो व्हाइट मेटल बनाते हैं ना लीड के साथ में मिक्स करके, जो बेटा बियरिंग्स ऑफ मोटर इंजन में यूज होता है। एल्यूमिनियम के साथ में हम लोग बेटा एक अलॉय बनाते हैं जो एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने में यूज होता है। मैग्नीशियम के साथ बनाते हैं, ठीक है ना, जो आर्मर प्लेट्स बनाने में यूज होता है। तो ये चीजें हैं जो आपको याद ही करना है, और तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा इट इज ऑल्सो, देखो एक यहाँ पे ये है कि लिथियम जो लिक्विड सोडियम होता है वो एज अ कूलेंट यूज होता है ना, इट यूज एज अ कूलेंट एंड फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना, उनमें हम लोग यूज करते हैं। पोटेशियम जो होता है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है, दैट इज यूज एज अ फर्टिलाइजर। पोटेशियम क्लोराइड को हम लोग कैसे यूज करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है ना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप यूज करते हैं। ये कॉमन चीजें हैं जो मेरे ख्याल से, ये चीजें देखो, ये वाला पार्ट जो है ना, सब आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो। अगर 10th में तुम लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ये सारा पार्ट था, यही सारे कंपाउंड 10th में थे जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। सारे के सारे कंपाउंड थे जो डिस्कस करने वाला हूँ, वो सारे कंपाउंड आपने 10th में ही पढ़े हैं। सारे के सारे कंपाउंड 10th में, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी था, इनका यूज भी था, है ना। यही कॉमन चीज है, अभी भी यहाँ पे भी एनसीईआरटी में उतना ही लिखा हुआ है जितना 10th में था, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरा, जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, दैट इज पोटेशियम KOH होता है, दैट इज एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको यूडियोमेट्री वाला टर्म जब पता था तब पता था कि CO को जो होता है वो KOH एड्सॉर्ब कर लेते हैं ना, ठीक है, सुन रहे कि नहीं आ रहा। तो ये बहुत सारे इनके यूजेज है जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ अल्कली मेटल्स में था, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड डिस्कस कर चुका मैं, कौन कौन ऑक्साइड बनाता है, कौन सुपर ऑक्साइड, कौन पैरॉक्साइड बनाता है, डाउन द ग्रुप जाने पे ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, सबिटी डिक्रीज करता है कि इंक्रीज करता है, तो बताएगा मुझे ऑक्साइड का पैरॉक्साइड का ना, कौन कौन नहीं बनाता है। हाँ, इनके कलर की बात कर लिया था मैं, कलर कैसा होता है, मैग्नेटिक नेचर की बात कर लिया था। तो ये मैं बहुत सारे पॉइंट्स नोट करके पिछले क्लास में आपको कराया भी था ना, समझा सर मैं क्या बोल रहा हूँ। एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको मैं कराया था, ये एस ब्लॉक का हुआ गया, ये सारी चीजें, यस सर नो सर, यस सर, ठीक है ना। पिछले वाले क्लास में कराया था, ऑक्साइड्स का भी कराया था, हैलाइड्स का कराया हूँ, ठीक है ना, इनका हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होता है वो कराया हूँ, प्लस में सॉल्ट ऑफ ऑक्साइड्स में आपको कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट्स और सल्फेट्स के बारे में बता दिया हूँ कि किसका सॉलिडिटी ज्यादा होता है किसका कम होता है। और ये चीजें मैं सिर्फ ग्रुप वन का नहीं कराया, ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों को कंपेयर करके कराया हूँ, है ना सर। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रुप वन का ही कराया हूँ मैं, पीछे आपको जो कराया था वो ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों को कंपेयर करके कराया हूँ, कि दोनों में आप लोग कंपेरिजन करेंगे तो किसका नेचर क्या होता है, कौन ज्यादा सोल्यूबल वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें कराती हूँ, ठीक है सर। अभी मुझे यहाँ से कुछ चीजें डिस्कस करना है, एक तो एनोमेलस प्रॉपर्टी जो लिथियम, आपको ये पता होगा एटलीस्ट 12th में तो सीरियस होके पढ़े होगे कि नहीं पढ़े थे 12th में, क्यों सर, 12th में थोड़ा बहुत सीरियस होके पढ़े हो कि नहीं पढ़े, 12th में तो सीरियस होके पढ़ लिया होगा ना, नहीं बोल रहे कोई कुछ नहीं, सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठ गए। तो 12th में थोड़ा बहुत सीरियस होके पढ़े होगे तो आपको ये पता होगा कि कोई भी ग्रुप का जो पहला एलिमेंट होता है वो एनोमेलस प्रॉपर्टी शो करता है, उसकी बहुत सारी वजह होती है। कुछ कॉमन वजह होता है कि उसका एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है, ये एक्सेप्शनली स्मॉल साइज वाला पॉइंट जो है वो यही पे नहीं है, वो हर जगह वैलिड है ना। एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है, इसका
एनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या क्या है। दूसरा, इसका जो पोलराइजिंग पावर होता है वो काफी ज्यादा होता है। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से क्या होगा, इसके जो कंपाउंड होंगे उनका कौन सा नेचर बढ़ जाएगा? जनरली जो लिथियम के कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट नेचर के हो जाते हैं। यस सर नो सर? यस है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा? आ रहा है। ठीक है। दूसरा, जो लिथियम होता है दैट शोज डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, ये भी शो करता है। इसकी वजह क्या है वो भी डिस्कस हम लोग करेंगे। ठीक है ना। चलो बेटा, कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है बिटवीन लिथियम एंड अल्कली मेटल्स। क्या क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है? पहला तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है बेटा, काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। ठीक है ना, हाई और काफी ज्यादा हार्ड होता है। दूसरा, लेस रिएक्टिव होते हैं, लीस रिएक्टिव, यही मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लीस रिएक्टिव होता है। बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो कब होता है ये भी बताएगा कोई, कब होता है ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कब होता है लिथियम? इन एक्वस सॉल्यूशन। इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होता है ना। इसका ही मैं एक रिएक्शन तुम लोगों को दिया था, है ना। फर्स्ट पॉइंट का रीजन क्या देंगे कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर है इसका? इसका बेटा स्मॉल साइज की वजह से, स्मॉल साइज की वजह से इसका जो लेटेस्ट एंथैल्पी होगा वो ज्यादा होगा, वेरी हाई। हाँ। ये पहले पॉइंट का रीजन यही देंगे कि जो स्मॉल साइज है इसका जो लेटेस्ट होता है वो कैसा होगा एज कम्पेयर टू अदर, थोड़ा सा कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है। दूसरा बेटा कैसा होता है, डेलिक्वेंट होते हैं, इसका मतलब समझते हो ना, इट हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब वाटर। यस सर नो सर? है ना, ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो आपको ये मैं आपको बताया था जो हैलाइड्स होते हैं बेटा, कौन से वाले हैलाइड्स? सेकंड ग्रुप के हैलाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेलिक्वेंट होते हैं सभी, ना, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। किसको छोड़ के, किसको छोड़ दे दो बताओ? बी बेरिलियम। BeCl2 ना, BeCl2 फ्यूम्स इन मॉइस्चर लिखवाया था तुम लोगों को नोट करके एक पॉइंट। BeCl2 फ्यूम्स इन मॉइस्चर क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, वो अपना हाइड्रोक्साइड बना लेता था, BeOH का होल टाइज प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl। यस सर नो सर? यस सर। जो पिछले क्लास में पढ़ाया था उसको जाके कितने लोगों ने पढ़ लिया, एनसीईआरटी या किसी और वजह से? पिछले ने नहीं पढ़ा ना, एनसीईआरटी पढ़ ली है। फिर क्यों याद नहीं है बेटा सारी चीजें तुम लोगों को? देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है बेटा, बार बार पढ़ने पड़ेंगे तब जाके याद होंगी चीजें। पॉइंट तो मैंने भी हाईलाइट करके रख दिया तुम्हारे लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम एक बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो याद रखनी पड़ती हैं इसमें। कभी कभी क्वेश्चन तो इतना आसान बन जाता है कि कोई भी कर लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन बहुत एनसीईआरटी के लाइन लाइन से उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है, तो उसको सही से पढ़ लीजिएगा। डेली क्वेश्चन होते हैं, अकेला LiCl ऐसा होता है अल्कली फर्स्ट ग्रुप मेटल्स में से मैं बोलूँ जो क्या करता है बेटा, वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, LiCl प्लस 2 H2 की फॉर्म में इसका हाइड्रेट बनाता है। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस यस। बाकी और कोई नहीं होता, ठीक है ना। दूसरा, इसका जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि इसका जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, बाकी अदर एलिमेंट्स के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, आपको पूछ लेगा चार एग्जांपल दे के कौन सा वाला सॉलिड नहीं है। बनवा रहे क्रिया, ये छोटे छोटे पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो लिथियम का जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है दैट इज नॉट सॉलिड, ठीक है ना, वो सॉलिड नहीं होता, वेल अदर एलिमेंट्स फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सबसे, ठीक है ना। दूसरा ये पॉइंट है कि ये जो इथाइनाइड आयन थाइन के साथ में रिएक्शन करके नहीं बनाता, ये रिएक्शन आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े सर? यस सर नो सर? एक रिएक्शन पढ़े होंगे आप लोग, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, हाँ के ना? ये सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच कैसा होता है, एसिडिक होता है ना, इथाइन सर एसिडिक नेचर, अल्काइन जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं कि नहीं होते? अभी एसिडिक नेचर का है तो एसिड क्या करते हैं बेटा, मेटल से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये बनता था सी माइनस एम प्लस प्लस एच टू गैस निकलता, ये तो था जनरल रिएक्शन,
CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस M प्लस प्लस H2 गैस निकलेगा। अब यहाँ पे बेटा एक्चुअल में ये मेटल जो होगा वो कौन होगा, मेटल जो होगा कोई भी अल्कली मेटल होता है, लेकिन कौन नहीं होता, लिथियम को छोड़, ठीक है ना, लिथियम को छोड़ के बाकी मेटल हो सकता है। लिथियम का क्योंकि रिएक्टिविटी कम होता है तो ये अल्काइन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है ना, इतना अल्कानाइड का फॉर्मेशन नहीं करता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि हम लोग लिथियम नाइट्रेट को हम लोग जब हीट करते हैं तो वो लिथियम ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है ना। बाकी जितने भी अदर कंपाउंड्स हैं बेटा वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करके नाइट्राइट बनाते हैं, नाइट्राइट, ठीक है ना। तो लिथियम के अलावा बाकी मेटल जैसे सोडियम, हम लोगों के पास में रिएक्शन दिया है, सोडियम का नाइट्रेट था उसको हीट किया गया, उसमें सोडियम का नाइट्राइट बनाया। लेकिन लिथियम क्या होता है, वो लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं और NO2 गैस रिलीज कर देता है, NO2 और O2 निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। अब ये भी क्वेश्चन बन सक जाता है कि पूछेगा कि कौन सा वाला विल नॉट प्रोड्यूस नाइट्राइट, चार ऑप्शन लिख देगा। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जहाँ से तुम्हें छोटी छोटी चीजें याद करके, देखो हर चीज को आप NCERT पढ़ के हर चीज को प्रॉपर तरीके से एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इसमें कोई डिफिकल्ट जैसा तो कुछ होता नहीं है, थ्योरी है पढ़ने को, थ्योरी पढ़ेंगे इसी तरीके से तो हो जाएगा। इसके रिएक्शंस भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह रिएक्शन समझने वाले ज़्यादा नहीं है, आयोनिक रिएक्शन से आसानी से हो ही जाते हैं ना, और तुम लोग भी लिख सकते हो, ठीक है सर। दूसरा Li1 Li2 जो होता है बेटा दे आर मच लेस सॉल्युबल इन वाटर, इसका आप लोग वजह जानते होंगे, क्योंकि ये जो होंगे वो कोवेलेंट नेचर के ज़्यादा होते हैं ड्यू टू द हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम, ठीक है ना। इसका पोलराइजिंग पावर कैसा होता है, ज्यादा होते, तो इस वजह से ये कंपाउंड्स होंगे वो कैसे मिलते हैं बेटा, कोवेलेंट, और बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में एज कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स ऑफ द अदर एल्कली मेटल्स। तो सॉलिबिलिटी का ऑर्डर ही मैं आप लोगों को लिखवा दिया ना, क्योंकि आपको ये भी पता है कि LiF के केस में साइज कंपेरेबल है, Li2O के केस में साइज कंपेरेबल है। तो साइज कंपेरेबल होगा तो लैटिस एंथैल्पी कैसा होगा, कम होगा, घुलेगा बहुत कम, जहाँ साइज कंपेरेबल नहीं होता वहाँ सॉलिबिलिटी ज्यादा होता है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ये पॉइंट ऑफ जो सिमिलरिटी है, मैं आपको अगर आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन सही से पढ़ाता तो उसमें ही बताया था सेम पॉइंट, डायगोनल रिलेशनशिप करके वहाँ लिखवाया था, और लिथियम और इनके बारे में या कोई भी और एलिमेंट के बारे में लिखवाया था कि ये शो करते हैं तो क्यों करते हैं, उसका जनरल पॉइंट बताया था। तो पहला पॉइंट क्या है कि इनका साइज कैसा होता है बेटा, सिमिलर होता है, साइज ऑफ पेरेंट एटम और आयन है ना, इनका साइज कैसा होता है, नियरली रियलिस्टिक, लिथियम का 152 पिकोमीटर और मैग्नीशियम का 160, आयन जो होता है वो 76 और 72, ठीक है। बाकी और पॉइंट्स का है, दोनों ही कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लाइट होते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों ही नाइट्राइट बनाते हैं, नाइट्राइट तो ये छोटे एलिमेंट यही दो बनाते हैं ना, इसके अलावा और कोई बनाता थोड़ी है। यस सर, नो सर, ठीक है ना बेटा। इनके जो ऑक्साइड्स है वो क्या करते हैं, दे डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड, पंगारे में क्या बोल रहा हूँ, LiCl एंड MgCl दोनों ही कैसा होता है, सॉल्युबल होता है इन इथेनॉल, LiCl MgCl दोनों ही कैसा होता है, डेलिक्विशेंट होता है, LiCl तो अकेला ही है यहाँ से, ठीक है ना, एक ऐसा होता है डेलिक्विशेंट होता है, दोनों ही क्या करते हैं, LiCl प्लस 2H2 और MgCl 2 प्लस 8H2, ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। दूसरा ये कि बेटा सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय लिथियम एंड मैग्नीशियम, दोनों ही क्या करते हैं बेटा, जो इनके हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होते हैं ना, बाकी सब कुछ सॉलिड रहते हैं। ये जनरल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस हो गया, वही चीज आपको याद भी रखना है, ठीक है, ये पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। अब एक बार नहीं पढ़ना इनको, बार बार पढ़ना, आज पढ़ लिया कुछ दिन बाद फिर से पढ़ लिया, कुछ चीजें दिमाग में आ जाएंगी, कुछ स्किप हो जाएगा, समझा नहीं कि नहीं आ रहा, फिर से पढ़ लिया, ऐसे करके बार बार पढ़ेंगे धीरे धीरे करके आता जाएगा, धीरे धीरे करके हो जाएगा पूरा ना, परमानेंट हो जाएगा फिर, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक वजह पता है लास्ट में क्यों पढ़ाया जाता है, सबसे लास्ट में एक वजह ये भी होती है कि अगर मान के तुम्हें सबसे पहले इसको पढ़ा दिया गया तो तुम भूल जाते हो सब कुछ, और एक ऐसा पार्ट होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको पढ़ने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट किसी का नहीं होता, क्योंकि याद करने वाली चीज़ है ना, है ना, कोई ऐसा तो अब ज़्यादा सोचना तो आपको पढ़ नहीं रहा इसमें, सिर्फ याद करने जैसा है, ठीक है।
और इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं है कि जैसे तुम लोग बायो में भी चीजें याद करते हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं क्या करता है तुम्हें रिलेट करता है, ये रिलेट करने वाला भी नहीं है। चलो अब बेटा कुछ कंपाउंड्स हैं ऑफ सोडियम जो आपको पढ़ने हैं। पहला तो वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2O, तो इनके बारे में बेटा मैं वही बता रहा हूँ कि ये सब आप पढ़ के आए, सब पढ़ के आए ना, इनके बारे में ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि जो तुम लोगों ने ना पढ़ा हो, ठीक है। वॉशिंग सोडा बेटा, तो बेटा इसको हम लोग कौन से वाले प्रोसेस से बनाते हैं? सॉल्वेंट प्रोसेस से, ठीक है ना। इस प्रोसेस में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड रिएक्शन करता है बेटा अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, जो लास्ट वाला रिएक्शन लिखा हुआ है NaSCO3+NaCl, ठीक है ना। अच्छा ये बाकी दो रिएक्शन क्यों दिया हुआ है? बाकी रिएक्शन दिया गया है कि अगर हम लोग के पास में एक्चुअल में कैसे होता है पूरा रिएक्शन, एक स्टेप में रिएक्शन लिखे तो ये वाला हो गया कि हम लोग क्या करेंगे, सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का NaCl से रिएक्शन करवा देंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग अमोनिया से यानी NaCl सैचुरेटेड विद अमोनिया से हम लोग क्या करते हैं, CO2 पास करवाते हैं। क्या होता है, हम लोग एक NaCl का सॉल्यूशन रहते हैं सैचुरेटेड विद अमोनिया, उसके अंदर से क्या करते हैं, CO2 पास करवाते हैं, ठीक है ना। CO2 पास करने से पहले वो कार्बोनेट बनाते हैं, फर्दर हम लोग पास करवाते हैं तो क्या बन जाता है वो, फिर से हम लोग पास करवाएंगे CO2, फिर क्या बनता है बेटा वो, हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है उससे NaCl प्रेजेंट रिएक्शन करके NH4Cl+NaSCl3 बना लेते हैं, ठीक है सर। तो ये कॉमन रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा ये कि NaSCO3 को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, हीट कर देते हैं, ये भी आपने पढ़ा था। NaSCO3 को हीट करने से क्या होगा, वो Na2CO3+CO2+H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? यस सर, यस ठीक है सर। देखो दूसरा इसमें से ये दिया है कि हम लोग कैसे NH3 को रिकवर कर लेते हैं, वो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा ये है कि हम लोग इससे बेटा पोटेशियम कार्बोनेट इस मेथड से नहीं बना सकते। हम लोगों ने Na2CO3 तो बना लिया है, लेकिन हम लोग K2CO3 इस मेथड से नहीं बना सकते हैं। तो कोई बताएगा क्यों नहीं बना सकते हैं? सर वो ज्यादा सॉल्युबल होता है सोडियम के, दैट इज टू, वो ज्यादा सॉल्युबल होता है ना, तो उसको हम लोग आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते, उसको हम लोग प्रेसिपिटेट नहीं करा सकते। समझ रहे कि नहीं आ रहा? सोडियम Na2CO3 जो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, या सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो कैसा होता है बेटा, वो कम सॉल्युबल होता है तो आसानी से क्या कर जाता है, प्रेसिपिटेट कर जाता है। लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी कैसा होता है, ज्यादा होता है। आपको पता है ना कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज, इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? एक ग्रुप में इंक्रीज करता है, एक ग्रुप में डिक्रीज करता है, आया ना। पहले वाले ग्रुप में इंक्रीज करता है, दूसरे वाले में डिक्रीज करता है, दोनों की अपनी अपनी वजह है, वो दोनों में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो पहले वाले ग्रुप में हम लोग बात कर रहे हैं पोटेशियम कार्बोनेट की, तो वो क्या करेगा बड़ा इंक्रीज करेगा, दैट इज मच सॉल्युबल, तो हम लोग उसको नहीं बना सकते क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी कैसा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। समझ में आएगा नहीं है? इसका प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, एग्जिस्ट है डाइकाहाइड्रेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एग्जिस्ट करता है। पानी में बेटा कैसा होता है, रेडिली सॉल्युबल होते हैं, हीट करते तो बेटा क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो मोनोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। पहले उसको हम लोग 373 से ऊपर हीट करेंगे तो बेटा क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकल जाएगा तो वो वाइट पाउडर हम लोगों को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोडास, ठीक है। तो रिएक्शंस ये भी आप लोगों ने 10th में पढ़ाया था, Na2CO3.NH2 को हीट करो तो Na2CO3.H2 बनता है, फिर से हीट कर दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? 373 या 375 के ऊपर ज्यादा हम लोग हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को हम लोग सोडास बोलते हैं, ठीक है सर। दूसरा बात ये बोल रहा है, ये सब रिएक्शन को लिखने का सिर्फ मतलब इतना है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है बेटा, बेसिक होता है, आप खुद से समझ सकते हैं। आयोनिक सबने पढ़ा हुआ है कि Na2CO3 में से क्या क्या आयन मिलेगा, Na+ आयन और CO3-2-आयन, इसका एडलेसिस होगा नहीं, एसिडिक आयन का एडलेसिस होगा तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा, बेसिक मिलेगा, ऐसा समझ लीजिए। या फिर ये समझ लीजिए Na+ आयन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग आयन, ये कैसा होता है, वीक आयन। स्ट्रॉन्ग आयन कौन सा वाला है बेटा, बेसिक वाला, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ कहाँ यूज करते हैं बेटा, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, ये तो रिएक्शन भी कराया गया था आप लोगों को, ठीक है ना। बाकी और यूजेस कोई ऐसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स,
कास्टिक सोडा, पेपर, पेन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इन सब में हम लोग इसको यूज करते हैं, है ना। लेबोरेटरी रिएजेंट इन क्वांटिटेटिव एंड ना समझा रहे कि नहीं, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो NaCl है। NaCl के बारे में जानते हो सर, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ? जी सर, नो सर। थोड़ा NaCl सी वाटर में कितना है वो, ये तो बेसिक चीजें हैं। अप्रोक्सीमेटली 50 लाख टन्स ऑफ द सॉल्ट आर प्रोड्यूस एनुअली फ्रॉम द सोलर एवेपोरेशन, ठीक है सर? समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा ब्राइन सॉल्यूशन से हम लोग इसको बनाते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन में इसके साथ साथ में क्या होता है, सोडियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट भी होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी भी होते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है ना? समझ आ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा इनको हम लोग रिमूव करते हैं टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड। द क्रूड सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड फिल्टर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डाल के तब निकालते हैं सर, है ना? फिल्टर हम लोग करते हैं टू। अब ये बताओ कि कौन से वाले इम्प्योरिटीज, मतलब कौन घुल जाता है कौन नहीं घुलता, बताइए एक सेकेंड में। ठीक है सर, बट इसमें क्या होते हैं कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स होते हैं दे आर मोर सॉल्युबल देन NaCl। तो NaCl जो होता है वो इनसॉल्युबल रहता है, बाकी घुल जाते हैं, ठीक है ना? कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड बीइंग मोर सॉल्युबल देन सोडियम क्लोराइड रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है? तो वो सॉल्यूशन रह जाते हैं, NaCl घुलता नहीं है, उसको फिल्टर करके हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ज्यादा अमाउंट डालेंगे तो NaCl भी घुल जाएगा, लेकिन हम लोग डालते हैं उसको बेटा कैसा, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, जितना कम से कम अमाउंट ऑफ वाटर हम लोगों को चाहिए उतना डालते हैं, जिससे NaCl ना घुले बाकी दोनों घुल जाए, ठीक है ना? बाकी इसका सॉल्युबिलिटी वगैरह दिया है बेटा, 1081 कैलोरी पर मेल्ट करता है, 100 ग्राम में 36 ग्राम नमक घुल जाता है, ये सॉल्युबिलिटी दिया है। दूसरा ये भी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl पे इन जनरल, आपको पता ही प्रोसेस कैसा होता है बेटा, एंडोथर्मिक होता है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में तुम लोग जानते हो कि टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा बेटा यहाँ से, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर पूछना चाहेगा तो। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl पे जनरली कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना? सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl डज नॉट इंक्रीज अप्रिसिएबली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जितना NaCl घुलना होता है वो घुल ही गया होता है, ठीक है ना? समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये भी एक अच्छा पॉइंट यहाँ से बनेगा कि हाँ NaCl का जो सॉल्युबिलिटी होता है वो पहले से इतना ज्यादा होता है कि उसको बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर सर यहाँ तक?
कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके आगे इसके कुछ यूजेज हैं, आप लोग जानते हैं यूजेज है कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट प्रिपरेशन ऑफ Na2O2 Na2CO3, ठीक है ना। इसके आगे बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा तुम लोग बोलते हो, इसको बनाने के लिए आपको पता है इसको हम लोग ब्राइन सॉल्यूशन से बनाते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करा के सोडियम हाइड्रोक्साइड को, है ना। हंसे वाले एक सेल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, पास्कल केलनर सेल, ठीक है ना, इसमें हम लोग बनाते हैं। बेटा इसमें क्या होते हैं, हम लोग ये चीज याद भी रखिएगा कि मर्करी का कैथोड होता है, कार्बन का एनोड होता है, बाकी रिएक्शन आप लोग समझ सकते हैं कि Na+ NaCl होगा, Na+ जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। कैथोड में बेटा क्या होगा, क्योंकि HG का है तो बेटा Na अमलगम बनता है पहले, Cl- जो होता है वो Cl2 देता है कहाँ पे, एनोड पे। अमलगम को हम लोग क्या करते हैं बेटा, वाटर से ट्रीट कराते हैं टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, एंड हाइड्रोजन गैस। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सोडियम अमलगम को हम लोग ट्रीट करा लेते हैं वाटर से, तो हमें NaOH मिल जाता है प्लस H2 वगैरह मिल जाता है। प्रॉपर्टीज क्या बेटा, ये वाइट है, ट्रांसल्यूसेंट है, मेल्ट करता है 591 केल्विन पे, पानी में रेडिली सॉल्युबल होता है, ठीक है ना, डेलिक्विशेंट है, बना रहे कि नहीं आ रहा। क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है डेलिक्विशेंट, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में कैसे है बेटा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोग इसका, बाकी इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिफिशियल सेल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, ये वाला तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, लीचिंग वाला प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो बेटा ये छोटे छोटे यूजेज वगैरह है वो पढ़ लीजिएगा। बाकी बेटा हम लोगों के पास है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा NaCO3, ठीक है ना। तो ये आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग बेकिंग सोडा क्यों बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको खाने वगैरह में यूज क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे इसको हम हीट करते हैं इट गिव्स Na2CO3, रिएक्शन को उल्टा लिख लीजिए ना, इट गिव्स Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर, तो CO2 गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है लिविंग होल्स इनके, है ना, जैसे उसको क्या करता है लाइट कर देता है, फ्लफी कर देता है ना, ये चीजें आप लोग पढ़े हैं ना, इस वजह से हम लोग यूज करते हैं इसको। बाकी कोई ज्यादा बड़ा इसका कोई ऐसा डिफरेंस वगैरह नहीं है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड अप बाई, कैसे हम लोग बनाते हैं वो ये Na2CO3 को हम लोग वाटर और CO2 के साथ में रिएक्शन करा के इसके अंदर से CO2 पास करा के बोल सकते हैं हम लोग NaCO3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है सर। देखिए बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम ये जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं। कहाँ मिलते हैं बेटा, आउटसाइड द सेल मिलते हैं, है ना, और पोटेशियम क्या मिलता है, इनसाइड द सेल मिलता है। तो बेटा ये कहाँ कहाँ होता है, ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, क्या क्या काम करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, है ना, मैंने ये सारी चीजें वैसे भी हाईलाइट कर रखी है। इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर, अमीनो एसिड्स इनटू सेल, ये सब काम करने में हेल्प करता है। इनसाइड द सेल जो होता है वो पोटेशियम मोस्ट अबंडेंट होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है बेटा, इट एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP, सुना रहे कि नहीं आ रहा। विद सोडियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन, सोडियम क्या करता है, ट्रांसमिशन करवाता है नर्व सिग्नल का, ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज वगैरह करवाता है, ठीक है ना। इनका अगर हम लोग कंटेंट देखें तो बेटा क्या रहता है कि आउटसाइड हम लोग देखें, है ना, इन ब्लड प्लाज्मा सोडियम जो होता है वो 143 मिलीमोल पर लीटर होता है, जहां पे पोटेशियम होता है 5 मिलीमोल पर लीटर बस। इनसाइड जाके हम लोग देखें विद इन द रेड ब्लड सेल, है ना, कंसंट्रेशन चेंजेस टू 10 मिलीमोल हो जाता है सोडियम और 105 हो जाता है कौन, पोटेशियम, ठीक है ना। तो वो ये कि अंदर जो रहता है मतलब इनसाइड जो होगा वो पोटेशियम मेजर होता है, उसका काम ज्यादा होता है, आउटसाइड क्या होता है, सोडियम होता है, ठीक है ना। बाकी दीज आयोनिक ग्रेडियंट्स डेमोन्स्ट्रेट, मतलब इस जो पूरा प्रोसेस है जो साइकिल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो छोटी मोटी चीजें जो आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझा रहे हैं क्या बोलो, हो सकते हैं बायो में भी कभी गलती से काम आ जाए, और आप लोगों ने चीजें तो पढ़ा ही होगा बायो में ना, इनका कौन क्या कैसे हम लोगों को हेल्प करता है, ठीक है ना। बाकी बेटा इसके आगे सेकंड ग्रुप एलिमेंट को मैं आपको पढ़ाऊंगा,
सेकंड ग्रुप एलिमेंट में पहले का प्रॉपर्टी तो वही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आप जानते हैं, एटॉमिक आयोनिक रेडियाई कैसे वेरी करता है आप जानते हैं, यस सर नो सर, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी जानते हैं, बताना पड़ेगा, यस सर नो सर, ये सब डिस्कस कर चुके ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिस्कस कर चुके हैं, आया ना, यस सर, ऑर्डर आपको सबको पता है, ठीक है, कौन कौन क्या क्या हाइड्रेट बनाता है वो भी सबको पता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस कर चुका हूँ इसका, यस सर नो सर, यस सर, यस सर, सारी चीजें हो गई हैं डिस्कस, और कौन सा वाला फ्लेम टेस्ट का देते हैं भी डिस्कस कर लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये वो चीजें तो मैं डिस्कस कर चुका बेटा सारे की सारी, दूसरा रिएक्टिविटी इन एयर एंड वाटर ये भी कर लिया, हैलाइड के साथ में कैसे होता है ये भी कर लिया, अमोनिया से कैसे होता है ये भी कर लिया, सॉल्युबिलिटी रिड्यूसिंग नेचर किसका आता है किसका कम ये भी कर लिया है ना, ये जो हैलाइड्स बनते हैं ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यूज वगैरह से डिस्कस करना है बेटा, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कल हम लोग खत्म कर देंगे चैप्टर ऑफ करेंगे, ठीक है, बाकी चीजें डिस्कस हो चुके हैं, ये सिर्फ कंपाउंड्स के बारे में बताना है, कल इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है, फिर हम लोग एक दिन ऑर्गेनिक का सेशन रखेंगे, वही प्रैक्टिस सेशन ऑर्गेनिक रखें या कोई और चाहते हो तुम लोग,